गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तारा श्वेता आर्य, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट। आज आप लोगों को एक ऐसी घटना के बारे में बताने के लिए आई हूँ। आप सबको अभी तक मालूम पड़ गया होगा कि राजस्थान में एक महिला की डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत हो गई। और सबसे जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है, जो ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि जो महिला गर्भवती थी, जिनका नाम प्रवीण है, और वो अपने पति इरफान खान, उनके साथ जब उनको दर्द उठा तो वहाँ से उनको राजस्थान में, वो भरतपुर कोई जगह है, वहाँ से उनको रेफ़र कर दिया गया। पहले उनको भेजा गया PSC में, PSC से फिर उनको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भेजा गया कि आप जिला अस्पताल में चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे उनको काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है। तो उनको जब जिला अस्पताल लेकर के गए तो वहाँ पे जो डॉक्टर हैं थी ऑन ड्यूटी, जिनका नाम मुनीत वालिया है, उन्होंने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है। सारी चीज़ें पूछने के बाद तो फिर उन्होंने बोला कि मेरा नाम इरफान है, जो गर्भवती महिला थी उनके हस्बैंड। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप मुस्लिम हैं, तो उन्होंने कहा जी। तो बोला कि अब तो आपका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता है, और उन्होंने अपने जूनियर डॉक्टर जो ड्यूटी पे होंगे उनको ये बताया कि इनका रेफरल कार्ड बना दीजिए और इनको यहाँ से रेफ़र कर दीजिए। मतलब और भरतपुर से निकलते निकलते ही वो बाहर नहीं निकल पाए होंगे, उनकी गाड़ी में ही डिलीवरी हो गई और बच्चे की मौत हो गई। ये इतनी शर्मनाक घटिया हरकत है, इतनी शर्मनाक। मैं सबसे पहले उन डॉक्टर से ये पूछना चाहती हूँ कि जिस वक्त आप ओथ लेते हैं अपनी डॉक्टरी कंप्लीट करने के बाद, व्हेन यू टेक दिस ओथ कि मैं बिना किसी रिलीजन और इसके कास्टिज्म या किसी भी तरह के इस पर बायस ना होके मैं सीधा अपना जो काम है वो पूर्ण रूप से, वो पूरे दिल से और पूरे मन से, हर एक मरीज़ मेरे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट होगा जितना कि कोई VIP का मरीज़ हो, और ना ही इसका किसी रिलीजन से कोई मतलब होगा। तो आपने ये पेशेंट से पूछा कैसे कि ये मुस्लिम पेशेंट है कि हिंदू पेशेंट है? आज आप मुस्लिम और हिंदू देख के मरीजों का इलाज करेंगी? सबसे ज़्यादा मुझे इस मामले में मुझे मीडिया से कंप्लेन है। ये जो गोदी मीडिया जो है, वो जिस तरीके का, ये आज मैंने भी पहली बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, गोदी मीडिया, मैं काफ़ी नाराज़ हूँ। ये जो मीडिया इस तरीके का जो दिखा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, अब डॉक्टर्स भी इस तरह से फ़र्क करने अगर लग जाएंगे तो मरीजों का क्या होगा? ये क्या मतलब हुआ? वो औरत दर्द से कराह रही थी, वो लेबर पेन में थी और वो अबाउट टू डिलीवर कंडीशन में थी, ऐसे में आपने उसको रेफ़र कैसे कर दिया? एंड ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम थी? ये बेहद शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक और निंदनीय। और इसकी मैं पुरजोर आपकी मैं इस मामले में कहती हूँ कि आप डॉक्टर कहलाने लायक नहीं हैं। मुझे शर्म आ रही है ये कहने में। और उससे भी ज़्यादा जो परेशान करने वाली बात है वो ये है कि जो भी मीडिया दिखा रही है, जो तबलीगी जमात के बारे में और जो ये सब शुरू है कि कोरोना वायरस जो है वो तबलीगी जमात ने बिल्कुल फैला दिया है, मुझे बताइए कि जो पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, एक औरत ने सत्संग अटेंड किया था और वहाँ पर वो पॉजिटिव निकली, और जब सत्संग उन्होंने अटेंड किया तो 1500 मरीज जो हैं उसमें से 600 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस बात को मीडिया ने दिखाया क्या? क्योंकि ये हिंदुओं का मामला है तो नहीं दिखाएंगे। मैं खुद एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं खुद बता रही हूँ, आप बार बार तबलीगी जमात के बारे में बोल रहे हैं। अरे भाई, क्या अमेरिका में तबलीगी जमात गई थी कोरोना स्प्रेड करने के लिए? क्या इटली में तबलीगी जमात गई थी कोरोना स्प्रेड करने के लिए? ये क्या तरीका है? अगर कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो इसका आप सारा जो ढिकरा है वो सारे कौम पर नहीं फोड़ सकते, ठीक है? और एक बात बताती हूँ कि अभी रामनवमी अभी हाल में ही बीती है, लॉकडाउन था लेकिन फिर भी रथ यात्रा निकाली गई महाराष्ट्र में, किसके कहने पर? गवर्नमेंट के नाक के नीचे। और क्यों? और आपको पता है उसके बाद महाराष्ट्र में कितने पॉजिटिव केसेस आ गए हैं? इन चीज़ों को मीडिया क्यों नहीं दिखा रही? इनको भी दिखाए। और तबलीगी जमात, यहाँ पर तो लोग कुछ सीखने के लिए जाते हैं, और वो इसलिए जाते हैं कि वो अपने अंदर क्या सुधार है वो कर सके, और ये सदियों से होता आ रहा है। इसमें आप उसको इस तरह से कैसे रिलेट कर सकते हैं? तब तो आप इतना हिंदू मुस्लिम अगर दिखाएंगे तब तो आज स्थिति मुझे लगता है ऐसी आ जाएगी कि लोग रास्ते पे उतर के एक दूसरे को मारना ही काटना बाकी रह जाएगा, बाकी तो और कुछ इस देश का होने वाला नहीं है। और जो लोग गरीबी से फांसी लगा के आत्महत्या कर रहे हैं, भूखे पेट सो रहे हैं, ऐसी भी तस्वीरें मैंने देखी हैं जिसमें कि बच्चा खाना ढूंढता ढूंढता वो जो खाने के बर्तन होते हैं ना उसके अंदर घुस के उसकी मौत हो गई है।
उसका आधा शरीर उस खाने के बर्तन के अंदर है, जैसे कि भूख की लालसा में उसकी मौत हुई। ये न्यूज़ आप क्यों नहीं दिखाते? मैं हर एक मीडिया से जानना चाहती हूँ। और एक महिला ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, साथ में उसके तीनों बच्चे मर गए क्योंकि उसके पास खाने कुछ उसने 3 दिन से खाया नहीं था। क्या ये आपकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं बनती, मीडिया की नहीं बनती कि उनको समय से खाना मिले, 2 रोटी गरीब के पेट में जाए? ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी बस इतना दिखाना है कि कोरोना कैसे तबलीगी जमात ने फैलाया, और बाकी क्या? पूरे अमेरिका में, पूरे इटली में, पूरी जर्मनी में और पूरे स्पेन में और चाइना में तबलीगी जमात गए थे कोरोना फैलाने के लिए। छोटी छोटी बातों का मुद्दा आप लोग ऐसे बनाते हैं कि जान के दुश्मन बना बैठेंगे। इन चीज़ों को दिखाइए ना। अगर इंसानियत अगर आपके अंदर बची है मीडिया के अंदर, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सही चीज़ों को अभी भी दिखाएं, जिनके पीछे जो हमें अभी ज़रूरत है, डॉक्टर्स को जो किट चाहिए उनको दिखाइए, जो हमें हमारी जो स्कार्सिटी है, जो हमारी दिक्कत। मैं हमारे प्रधानमंत्री से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि सर, आप आए आ करके आपने सबको बताया कि दिया जलाना है और 9 बजे ये करना है, ठीक है, वी आर ऑल एग्री टू दैट, लेकिन मुझे ये बताइए कि इंडिया कितने परसेंट रेडी है ये कोरोना को फेस करने के लिए? क्या आपने डॉक्टरों के साथ एक कुछ कॉन्फ्रेंस की, कोई मीटिंग की? आप तो स्पोर्ट्स पर्सन के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ये इससे क्या समझ में आता है? हमारा इंडिया कितना प्रिपेयर्ड है क्या आपने ये बताया उस दिन 9 बजे? क्या आपने बताया कि कितने प्रतिशत हम सब रेडी हैं इस आपदा को अटेंड करने के लिए? इंडिया कितना प्रिपेयर्ड है? हेल्थ डिपार्टमेंट कितना प्रिपेयर्ड है? हम सबके पास PPE नहीं है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है, इसको आप कब मुहैया करवाएंगे? इन चीज़ों पे आपका ध्यान क्यों नहीं जाता? और मीडिया को भी मैं कहना चाहती हूँ, जो डॉक्टर्स के साथ हो रहा है उस पर आप लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता? क्या ये आपका फ़र्ज नहीं बनता कि आप इस चीज़ को मीडिया में हाईलाइट करें कि डॉक्टर्स के पास आज कुछ सामान, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है, तो इस तरीके से वो खुलेआम कोरोना वायरस के पेशेंट को देख रहे, तो इससे तो उनके भी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। क्या ये नहीं नज़र आता? ये पॉइंट नहीं है आपको उठाने के लिए? और मुझे ये कहना है कि आप आए उस दिन सुबह 9 बजे, हमने उम्मीद की थी कि आप हमें ये बताएंगे कि हमारा देश कितना प्रतिशत रेडी है इस महामारी को फेस करने के लिए, ये आपने बताया ही नहीं। इस पर आपने कोई चर्चा ही नहीं की, आपने सिर्फ ठीक है दिया जलाने पे चर्चा की, करेंगे हम दिया जलाएंगे, लेकिन आप जो मेन मुद्दा है उस पर भी तो चर्चा करेंगे ना। दिस इज़ टू माई प्राइम मिनिस्टर, जस्ट टेल अस हाउ मच वी आर रेडी टू फेस दिस कोरोना वायरस, हाउ मच किट्स आर नॉट रेडी, एंड व्हाट अबाउट द PPE सेट्स, वेयर आर दे, व्हेन विल वी गेट दिस? इन बिहार वी हैव गॉट ओनली 3 सेंटर्स, ओनली 3 सेंटर्स विद सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल रिसाइडिंग हियर, 38 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर एंड ओनली 3 सेंटर्स आर देयर टू डू द COVID-19 टेस्ट। वाई आप टेस्ट के लिए हमें भेजिए ना, टेस्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लैबोरेटरीज वगैरह खड़ा करें, टेम्प्रेरी खड़ा करें। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए ना कि ये कि हम दिया जलाएंगे और हम क्या करेंगे। ठीक है, हम सब हिंदुस्तानी है कि जब सब मरने लगते हैं तो सब एक सबकी ताकत एक ही हो जाती है, लेकिन हम डॉक्टरों की मजबूरी ये तो आपको समझनी होगी। और इस पर जाकर के ज़्यादा बात करें कि हमारा हेल्थ सेक्टर कितना रेडी है इस वायरल इन्फेक्शन को, COVID-19 को फेस करने के लिए कितना इंडिया तैयार है। आप इस पर बात करेंगे तो हम डॉक्टर्स को ज़्यादा खुशी होगी, और मीडिया को भी मैं कहती हूँ आप इससे अगर प्रधानमंत्री से या बाकी लोगों से सवाल करें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। आप इस पर चर्चा करें मीडिया में कि हमारा देश कितने प्रतिशत तैयार है COVID-19 को फेस करने के लिए, इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए।